ज्ञानदेव जी भोजन खा रहे हैं और तभी एक कुत्ता आके उनकी रोटी छीन के भाग के ले जाता है, और जैसे कुत्ता रोटी लेके जाता है तो ज्ञानदेव जी उसके पीछे घी का कटोरा लेके भागे, और घी का कटोरा लेके जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहे, अरे भगवान क्या कर रहे हो आप, अरे सूखी रोटी क्यों खाते हो, लो थोड़ा घी भी लगा लो। और कुत्ते में उन्हें भगवान के दर्शन हो गए। ये है भक्ति का विश्वास। तो रुचि से भजन मत करो, अपनी मनमर्जी का भजन मत करो। मनमर्जी का भजन कर करके ही आज का समाज धोखा खा रहा है। शास्त्र अनुसार भजन करो, जो भगवत गीता कहती है, जो रामायण कहती है, उस अनुसार भजन करो। तो सुनीति के घर श्री ध्रुव जी महाराज प्रकट हुए। बाल्यावस्था थी श्री ध्रुव जी की, छोटी सी अवस्था में एक घटना घटी। बालकों ने पूछ लिया तेरा पिता कौन है, तो माता ने बता दिया राजा तेरा पिता है। राजा की गोद में बैठने की कोशिश की तो सौतेली माँ ने नीचे उतार के बहुत अपशब्द सुनाए, आघात हुआ दिल पर। बालक थे, छोटे से बच्चे थे, माँ को आके कहा माँ हमारे साथ अपमान हुआ है। लेकिन माँ ने उस अपमान को सम्मान में बदल दिया। माँ ने कहा नहीं बेटा, ये अपमान नहीं है, ये सच्चाई है। तो अगर चाहता है कि पिता की गोद में बैठूं, तो ये जगत के साधारण पिता की गोद में बैठ के क्या करेगा, तो एक काम कर, तू परम पिता की गोद में एक बार बैठ जा, वहाँ से तुझे कोई हटा नहीं पाएगा, जा भजन कर। बालक बच्चे में विश्वास जगाया माँ ने, और 5 साल का ध्रुव निकल पड़ा भगवान को पाने के लिए। भगवान की भक्ति के लिए निकले श्री ध्रुव जी। रास्ते में नारद जी मिले गुरु रूप में, गुरु रूप में नारद जी मिल गए। नारद जी ने परीक्षा ली पहले, तो डराया भी थोड़ा सा कि थोड़ा कच्चा है घड़ा, पका है देख तो लें, पर घड़ा एकदम पका हुआ था। तो श्री नारद जी ने गोद में बिठा के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप दिया, मधुवन में जाके भजन करने का आदेश दिया। ध्रुव जी ने भजन किया, 5 महीने तक घोर तप किया, और 5 महीने बाद साक्षात भगवान प्रकट होकर के ध्रुव जी को दर्शन देते हैं। ध्रुव जी को दर्शन दिया। अब श्री ध्रुव जी सोच रहे क्या ठाकुर जी को क्या चढ़ाऊँ, क्या अर्पित करूँ। भगवान को फूल अर्पित करूँ, पुष्प अर्पित करूँ, पर फिर मन में आया कि अपने हृदय के भाव, अपने आँखों के अश्रु शब्द रूप में प्रकट करके श्री ध्रुव जी ने भगवान के चरणों में अर्पित किया, और भगवान ने ध्रुव जी के उस भाव को स्वीकार करके आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम अभी राजा बनोगे, अभी तुम्हारा मेरे पास आने का समय नहीं हुआ। ध्रुव जी राजा बनते हैं। कथा आती है अपने छोटे भाई को कुछ यक्षों ने पकड़ लिया था, तब श्री ध्रुव जी महाराज युद्ध करने चले गए। तब इनके दादा मनु महाराज ने इनको दर्शन दे करके उपदेश दिया, ज्ञान दिया, और समझाया कि भगवान का भक्त दयालु होता है, इसलिए ये युद्ध आदि छोड़ो और तुम बस इनको क्षमा करो। तब श्री ध्रुव जी महाराज ने उन सब यक्षों को क्षमा किया, और अंत में श्री ध्रुव जी भगवान का स्मरण करते हुए अपनी लीला को विराम करते हैं और सशरीर भगवत धाम जाते। काल भी उनको छू नहीं पाया, ऐसे श्री भक्त ध्रुव जी की कथा सुखदेव जी ने सुनाई है। ध्रुव जी के वंश में और राजा हुए, इनकी वंशावली आगे बढ़ी। इसी वंश में महाराज प्रियव्रत हुए। प्रियव्रत महाराज के वंश में श्री भरत जी हुए, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत जी महाराज का जो जीवन है वो बड़ा अद्भुत है, उनकी कथा भी बड़ी अद्भुत है। कैसे उन्होंने अपने जीवन को, एक जन्म में भगवान को पाना चाह पर माया ने आके पकड़ लिया, दूसरे जन्म में पशु बने, उस योनि में भी भजन करने का प्रयास किया पर भगवान को न पा सके, और फिर तीसरी योनि में जाके जब ब्राह्मण बने तब श्री भरत जी को भगवान का दर्शन हो सका, हो पाया। तो ये कथा बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर है,
कैसे श्री भरत जी पर कृपा हुई है और भरत जी ने राजा रघुगण पर कृपा करके राजा रघुगण को उपदेश दिया है। ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। आप हम सब उसका श्रवण पान करेंगे। उससे पूर्व आइए थोड़ा अंतिम सूचना, अंतिम स्वागत सत्कार सभी अतिथियों का, वो श्रवण करेंगे और उसके बाद पुनः हम सभी कथा के विराम की ओर प्रवेश करेंगे। एकदम शांति अनुशासन से सभी बैठ करके अंतिम सूचना श्रवण करें और फिर पुनः कथा में प्रवेश करें।